कराची में खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि शहर के बाज़ इलाकों में शरंगेजी की जा रही है, एमकेएम के कारकुनान और हमदर्दों को निशाना बनाया जा रहा है। फरवरी तक शहर में हमारे तावुन से कुछ अमन था, ताहम मार्च और अप्रैल में फिर से गिरफ्तारियां और छापे शुरू कर दिए गए। चार माह थोड़ा सा सुकून नसीब हुआ, अमन कायम रहा, जराइम में भी कमी थी। ऑपरेशन के नतीजे में, हमारे तावुन के नतीजे में, हमारे मुतालबे के नतीजे में, लेकिन मार्च और अप्रैल में छापे और गिरफ्तारियां फिर तेजी से बढ़ गईं, फिर हम एंगेज हो गए। उनका कहना था कि मेयर के इलेक्शन को इल्तवा का शिकार बनाया जा रहा है। छह माह हो गए हैं, बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल नहीं हुए। फारूक सत्तार का कहना था कि कुछ कुवतें मुसलसल दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं।